अंतिम शुक्ला जी, अब देखिए विपक्ष का ये कहना है कि ठीक है आप ईवीएम सिस्टम भी चलाइए, 100% पर्चियों का मिलान हो, क्या इस तरफ सरकार की तरफ से कदम नहीं बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आप इसको चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन कई बार नेताओं के बोलने से कई लोगों के मन में ये सवाल आने लगा है कि क्या वाकई ईवीएम में कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या ईवीएम वाकई फिक्स किया जा रहा है? कि तमाम लोगों के मन में शक नहीं होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि इसी से तो तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। शुक्ला जी, देखिए अंजना जी, तो जब बारंबार श्रीमान राजपूत जी और कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी और जीवी नरसिंह राव का जिक्र करते हैं 2009 के उनकी पुस्तक का, और इतने निष्पक्ष लोग हैं, न्याय संगत इन्होंने हमेशा निर्णय लिए हैं ऐसा इनका दावा है, तो इन्होंने तत्काल ईवीएम को बंद कर देना चाहिए तो 2009 में, तब क्यों नहीं बंद किया? प्रश्न ये है। प्रश्न ये भी है कि जब आपको निर्वाचन आयोग ने बाकायदा हैकिंग करने के लिए चुनौती देकर निमंत्रित किया था तो हैक करने क्यों नहीं गए? प्रश्न यह भी पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश कह रहे हैं कि आपने जब बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो आप किस स्तर की गड़बड़ियां होती थी हमारे सामने, हमारे स्मरण में, तो इस पर जो है तो इनको शर्मसार हो जाना चाहिए कि इन्होंने बैलेट पेपर में बहुत गड़बड़ियां की। मेरी टिप्पणी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी नहीं है, आदरणीय मोहम्मद अमीन जी की भी टिप्पणी नहीं है, जिनके बारे में लगातार अपशब्दों को जो है उन पर अपशब्दों की बौछार की गई कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश का है। और मुझे विश्वास है कि अगर ये टेलीविजन पर ना होते और उनको जो है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार ना होता तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के भी कपड़े फाड़ दिए होते शाब्दिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर। तो ये बारंबार जो कोई इस पर चर्चा करे, आप जब आप एक प्रक्रिया में है, निर्वाचन आयोग से आपने कहा, निर्वाचन आयोग ने आपकी चुनौती स्वीकार की, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, निर्वाचन आयोग दोनों, निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना जा रहा है, पेटिशनर का पक्ष सुना जा रहा है, सरकार का पक्ष सुना जा रहा है, अब आपको अगर किसी प्रकार की आशंका का समाधान है तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कीजिए कि वीवीपैट से कराने पर ही अगर समग्र पारदर्शिता मिलान को लेकर होगा और यह संभव होगा तो निश्चित तौर पर उस तरह का निर्णय आएगा, आप इतना तो विश्वास कीजिए ना। आपको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको निर्वाचन की समग्र प्रक्रिया पर विश्वास नहीं, तो साहब 1952 से और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी ने, उनके निजी सचिव ने लिखा, टंडन जी ने, कि जब 1952 के चुनाव हुए, रामपुर से श्रीमान मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए थे और टेलीफोन करके चुनाव परिणाम बदलवाया गया, ये मेरा आरोप नहीं है, मैं तो उसमें जन्मा भी नहीं था, इस घटना के 17 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ है, लेकिन टंडन जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सचिव रहे वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। मुझे याद है 1989 का चुनाव, तो मेरे सामने की बात है, 1989 के चुनाव में हर जो है पेटी में 1 रुपए की नोट जिसका नंबर लिखा गया था ये संजय सिंह ने रखवाया था कि अमेठी में जो है आप जो है डब्बे बदल लेते हैं, ये मेरा आरोप नहीं है। और हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता ने कहा था जो मुख्यमंत्री थे कि अगर जो है बैलेट से चुनाव हो तो कैसे जो है आप बक्से बदल लेते हैं, इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो कांग्रेस के तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी विशेषज्ञता थी, ये मेरा आरोप नहीं है। ये तत्कालीन चंद्रभानु गुप्त ने जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हेमवती नंदन बहुगुणा के कांग्रेस में ही प्रतिद्वंदी थे, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही पूर्व मुख्यमंत्रियों पर, पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाते थे, तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में निर्वाचन, और आप जानती हैं कि निर्वाचन आयुक्त किस तरह से, स्वयं जो है निर्वाचन आयुक्त जो राजीव गांधी जी के जमाने में हुआ करते थे सेक्रेटरी होम और राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए दौड़ भी लगा देते थे, कालांतर में वो निर्वाचन आयुक्त और बाद में वो कालांतर में जो है वो कैंडिडेट कांग्रेस के हुए, एक निर्वाचन आयुक्त को तो कालांतर में मंत्री भी बनाया कांग्रेस ने, तो आप उनकी निष्पक्षता को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर किसी प्रकार का आरोप लगाया हो नहीं लगाया, हमने हमने उनके कार्यकाल को स्वीकारा, ठीक है वो रिटायर्ड हुए और कालांतर में जो है वो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार की। अनुराग जी, अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी इसके फौरन बाद, ठीक है प्रेम शुक्ला, हर व्यक्ति को जो है वो शंका की निगाह से देखती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार, चूंकि अब सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो 10 सेकंड का एक रिबाटल चाहते हैं, उसके बाद भदौरिया जी मैं आपके पास आऊंगी, छोटा सा बोलिएगा। देखिए सुरेंद्र जी, देखिए एक पैटर्न दिख रहा है,
आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो उनके एक सांसद थे जीवीएल साहब, ने किताब भी लिखी थी, लेकिन एक नेता का, दो नेताओं का, कुछ नेताओं का बोलना और पूरे चुनाव को इस शक की निगाह में, हर एजेंसी को, हर देश की स्वायत्त एजेंसी पर उंगली उठा देना, ऐसा लगता है जैसे हार का एक बहाना भी पहले से ढूंढा जा रहा है। क्योंकि राज्यों के, ये तो कोई नहीं नकार सकता ना, कि जब राज्यों के चुनावी नतीजे आते हैं जिसमें आपकी जीत होती है राजपूत जी, उसके बाद से तो आप लोग एकदम चुप हो जाते हैं, उस समय ईवीएम हाई हाई नहीं होता है। छोटा सा जवाब सर। अंजना जी, हाँ बहुत छोटा सा अंजना जी जवाब दे रहा हूं, चूंकि विषयांतर हो रहा है। होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं ईवीएम की विश्वसनीयता की, हम कोई ईवीएम के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जब हम हाई सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया और कहा कि साहब इस पे वीवीपैट इसमें आनी चाहिए। तो उसके बाद ईवीएम पर वीवीपैट मशीनें लगी और वीवीपैट मशीनें जब लगी हैं तो मात्र 2% से 5% की पर्चियों का मिलान क्यों? 100% पर्चियों का मिलान हो जाए, ये वंस फॉर ऑल मैटर सेटल हो जाए। एक बात बहुत साफ सी बात है, मैं आपको बताऊं, इस ईवीएम की विश्वसनीयता की बात को फैसला देना है। अगर हम कोर्ट में यही याचिका है जिस पर बात हो रही है, ठीक है, मैं लौट रही हूं, सुनिए, मैं लौट रही हूं, सेकंड राउंड में बोलिएगा प्लीज सुरेंद्र जी, सेकंड राउंड में बोलिएगा, अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए। नहीं नहीं, आप इस पर भी तो जवाब दीजिए कि चुनाव आयुक्तों को आप लोग दूसरे पद पर देते थे, उनको भी फायदा पहुंचाया जाता था, ऐसे में देखा जाए तब तो कई सवाल इस पर भी खड़े किए जा सकते हैं। अनंत है ना ये बहस, तो एक बार अनुराग जी बोलने, मैं सेकंड राउंड में आपसे जवाब लूंगी इस पर। अनुराग जी देखिए, अंपायर पर उंगली उठा देना आसान बहुत है और होता भी है मैच में, लेकिन फिर स्पोर्ट्स में बताया जाता है कि देखिए एक विनर होता है, एक लूजर होता है, बीच में अंपायर की एक पोजीशनिंग होती है, वो अपना काम करता है। जब कोर्ट भी ये स्वीकार रहा है, पूरा सिस्टम जो आप लोग भी जानते हैं किस तरह से होता है, और इसी ईवीएम के बाद समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में। अब सवाल ये है कि किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, ये बहुत क्रूशियल बात है, क्योंकि आपकी समझदारी भी आपको ये बताएगी कि एक साथ फिर मशीन्स को हैक करना पॉसिबल नहीं है, अगर कनेक्टेड हो तो सारे को हैक किया जा सकता है। ऐसे में क्या इस तरह से उस पर सवाल खड़े करना चुनाव के एन पहले सही है? अनुराग जी देखिए, एक शब्द यहां पे आया अंपायर का, आप भी अच्छी तरह जानते हैं पहले मैचेस होते थे, अंपायर बेईमानी भी करते थे और भयंकर बेईमानियां होती थी। अगर आप पहले का मैच देख लीजिए कि बेईमानी अंपायर करवाता था और एक टीम जीतती भी थी, खासकर रन आउट में और पीछे जो बॉल लग के बैट में जाती थी, कैच आउट में आसानी से वो अपना खेल कर लेते थे, तभी बाद में फिर अंपायर चेंज हुए। एक एक जगह आपने देखा होगा और LBW में खासकर कि LBW आउट दे देते, तभी फिर आप देखो जब मैचेस होते हैं तो अंपायर बदल दिए जाते हैं, दूसरी जगह के होते हैं। एक बात, दूसरी बात, मुझे जब पूरे देश की जनता ये कह रही है, उसको शंका हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है ईवीएम में, शंका हो रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, समाजवादी भी पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, तो मुझे यह नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी उछल के इलेक्शन कमीशन के गोद में क्यों बैठने लग जाती है, उनकी उनकी बैटिंग क्यों करने लग जाती है। भाई उसको तो हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए, जनता की आवाज के साथ आवाज मिलानी चाहिए कि नहीं नहीं वीवीपैट लगाने चाहिए, वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। फिर उनके मन में कहीं चोर है क्या, उनके मन में कहीं डर है क्या? भाई उनको तो मेरे स्वर में स्वर, हमारे स्वर में स्वर मिलाना चाहिए ना। अगर सभी पार्टियां कह रही हैं कहीं शंका हो रही है तो उनको मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए, तो वो उधर इलेक्शन कमीशन के साथ क्यों खड़े हो जाते जाके? तो ये शंका पैदा करेगी नहीं पैदा करेगी, आप बता दीजिए। जहां तक मैं आपको फिर बता रहा हूं, बैलेट पेपर की जब बात आ रही थी कि बैलेट पेपर पहले लूट लिए जाते थे, डकैती हो जाती थी, अरे अब तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके मतलब आपको सरकार पे शंका है कि सरकार इसके मतलब लूट मात मचा सकती है? भाई आप तो, आपकी सरकार है चारों तरफ, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप तो अपना फोर्स इतना लगा देंगे कि लूटपाट ना हो पाए? आज भी लूटपाट की बात करेंगे आप, तो इसके मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं संकट तो कोई आती ही है। दूसरी बात, 2009 में ईवीएम आया था, तब तो भारतीय जनता पार्टी भी हल्ला मचाती थी इसके खिलाफ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। आज जब हम कह रहे हैं तो बीजेपी को मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए। हाँ एक बात सही कह रहे हैं कि बैटरी की, बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है बैटरी ऑपरेटेड है, तो क्या बैटरी ऑपरेटेड जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है क्या उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती? ऐसा किसने कह दिया कि बैटरी ऑपरेटेड है तो कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती? फीडिंग तो, फीड तो उसमें होता ही है, डाटा तो फीड होता ही है ना, तो डाटा तो किसी, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कभी भी खराब भी हो सकती है।
वो अपने किसी उल्टी दिशा में भी चल सकती है। कई बार हमने देखा आप मोबाइल पे कुछ नंबर डायल करो, नंबर दूसरा डायल होता है, फिर हम लोग जाते कि नहीं जाते कि भाई हम 9 दबा रहे हैं इसमें 8 आ रहा है बार बार, तो हम इसको रिपेयर के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर मान लो अगर ईवीएम मशीन में आप कुछ दबा रहे हो आ कुछ और रहा है, तो ये शंका है, और जब ये शंका है तो गंभीर शंका है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की इलेक्शन कमीशन की होती है सुधारना, और बजाय इसको सफाई देना आप तो ऐसे सफाई देने लग जाते हैं, खासकर हमारे साथी अमीन साहब भी ऐसी सफाई दे रहे जैसे लगता है अमीन साहब पे एकदम हमने हमला कर दिया हो। अरे अमीन साहब को भी जनता की आवाज सुननी चाहिए, जनता के हिसाब से बात करनी चाहिए। वो तो ऐसे बैटिंग करने लगे भारतीय जनता पार्टी का जैसे लगता है कि वो पैट बैट बॉल यहाँ बांध के आए हैं और दे दे छक्के 9 बॉल पे ही मारे जा रहे हैं। अनुराग भाई कुछ हमारी तरफ से भी बोल लीजिए। अनुराग जी देखिए, नहीं अनुराग जी एक सेकंड अनुराग जी सुनिए, बात को समझिए। देखिए वो इलेक्शन कमीशन में काम कर चुके हैं, जो अपने संगठन के लिए काम करता है वो अपने संगठन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेगा, इसमें आप लोगों को इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां क्योंकि चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रही है इसलिए वो चुनावी पार्टियों पर कमेंट कर रहे हैं। अमीन साहब से मैं जवाब ले लूंगी आपकी बात का, वो कह रहे हैं अमीन साहब रुके ना, अमीन साहब वो कह रहे हैं कि मोबाइल में भी नंबर कुछ डायल करते हैं नंबर कुछ और डायल हो जाता है, क्या गड़बड़ियों का रुके ना सुनेगा अंजना जी 10 सेकंड अंजना जी सुनिएगा, उन्होंने एक बात बोली इसलिए आप लोगों का ये हाल है। आप लोगों का हाल मतलब क्या होता है, किसकी तरफ से बोल रहे थे इसीलिए आप लोगों का ये हाल है, आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं, यही था उनका कहने का मतलब, आप लोगों का ये हाल है। क्यों ऐसी बातें करते हैं, उनको तो शोभा नहीं देता ना कि आप लोगों का ये हाल है। मतलब मलुक नागर साहब देखिए उनका जो आरोप है विपक्ष का, उनका सिर्फ ये कहना है कि वीवीपैट की पर्चियों से मिलान हो इसमें। अब हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तमाम बातें सुनने के बाद, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ईवीएम पर से हर शक दूर होना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है? अंजना जी एक तो ये कि 4 जून तक मैं सांसद हूं और आरएलडी और एसपी और बीएसपी से मैं जीता था, तो मैं आरएलडी का ही सांसद हूं 4 जून तक, राष्ट्रीय महासचिव अलग हूं। देखिए मुझे इस पे टाइम देना क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं और जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी या देश की जितनी भी एजेंसीज हैं उनको 1947 से लेके आज तक उनका मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री के मंत्रालय में रहता है या प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं माननीय प्रधानमंत्री उस मंत्रालय के, और उसकी स्टैंडिंग कमेटी जो है जो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस उसमें आते हैं, और उसमें जब बजट को ये लेकर के आते हैं हमें इतना खर्चा चाहिए इतना करना है, तो उसका ऑडिट वो स्टैंडिंग कमेटी में है और उसमें मैं बहुत काम करता हूं। और जो चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारी जितने भी आते हैं, हमने वहां पे जो अमीन साहब की अभी बात कर रहे थे जिसको हमारे कांग्रेस के साथी हमारे राजपूत जी बीजेपी के बापू कह रहे थे, इस तरह की भाषा का तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर इंक्वायरी काफी करनी चाहिए पूछनी चाहिए, और वो हम स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी में बहुत करते हैं। और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जो जुडिशियरी से रिलेटेड, वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड हमने बहुत काम करा स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में, और मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पूरी करने के बाद चांसेस बिल्कुल नहीं है कि उसको कहीं भी कोई छेड़छाड़ करी जा सकती है। जहां तक बात अंजना जी ये है कि जितने भी लोग कांग्रेस के बैठे हैं हमारे साथी राजपूत जी, जब इनकी कहीं भी सरकार बनती है तो क्या आज तक इन्होंने कहा कि मशीनें खराब थी इसलिए हम चुनाव जीत गए हैं? दूसरी बात एक और भी है, आज पूरे देश में चुनाव चल रहा है और पूरा प्रचार कर रहे हैं सब पूरे तरीके से पूरे जोश पे आकर के, तो क्या ये अगर चुनाव भी कर रहे हैं दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं ईवीएम से चुनाव भी जीत रहे हैं इनके चीफ मिनिस्टर भी बन रहे हैं, जहां जीत जाते हैं वो कहते नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब है, तो पूरे देश में आंदोलन करें या तो, या पूरे देश में मुद्दे उठाने के बजाय एक ही मुद्दा उठाएं कि ईवीएम गलत है और हम चुनाव का बायकॉट करते हैं और हम चुनाव में वोटिंग नहीं करना चाहते ना करना चाहते क्योंकि देश में ऐसी स्थिति नहीं है। ये सारे काम भी कर रहे हैं, ये चुनाव जीत भी रहे हैं, इनके एमपी भी जीत रहे हैं, एमएलए भी जीत रहे हैं, इनकी सरकारें भी बन रही हैं और चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, खुशहाली भी करते हैं, लड्डू भी बांटते हैं, ढोल भी बजते हैं, और फिर आकर के अब आकर के यहां पर भी बात कह रहे हैं कि ये तो ऐसे 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 है।
लड्डू खिलाएंगे सांसद जी, आपको लड्डू खिलाएंगे। क्या कह रहे हैं भदौरिया साहब? 4 जून को नहीं, 4 जून को लड्डू खिलाएंगे, जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, लड्डू आपको मिलेगा, आपको लड्डू खाने खिलाने जाएंगे भदौरिया साहब। आप भदौरिया साहब, भदौरिया साहब खिलाने की बात करें, एक लाइन बोल लेते ना प्लीज। लेकिन मैं एक बहुत गंभीर सवाल पर इसको ले जाती हूँ। देखिए हल्की फुल्की बातचीत अपनी जगह पर है। हाँ बोलिए 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 जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भदौरिया साहब जो बात कर रहे हैं लड्डू खिलाने की, ये बात तो सही हो सकती है। इनके साथ मिलकर हम भी, मैं जीत करके आया हूँ, आरएलडी एसपी और मैं बीएसपी से सांसद बना था। लेकिन कांग्रेस जो जिसके साथ ही चिपके हुए हैं, वहां दिल्ली में आप पार्टी के साथ लड़ रही है, पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई संभाल लो, जो सो कॉल्ड ये इंडिया गठबंधन बना था उसको एक करके बढ़िया तरीके से लड़ते और उस समय सही तालमेल हो जाती तो कुछ संभावना ही हो सकती है। और जितना ज्यादा शोर मच रहा है इसका मतलब है पहले ही डिक्लेयर कर रहे हो कि कहीं भी दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है, चुनाव पहले ही हार जाएगा। एक साथ बोलेगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। हो गया मलुक साहब।